नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आप सभी स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपको मैं काफ़ी सारी जो है कि पीएफ से रिकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, तो ठीक उसी तरह से जो है कि ये भी वीडियो जो है कि हमारा ईपीएफ से रिकॉर्डिंग जो है कि ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि हमने कई सारे पोजिशन में ऐसे ऐसे कंडीशन में जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है, जो कुछ एरर होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको हम नॉलेज देता रहता हूँ। ठीक उसी तरह से एक एरर है जो कि ये नॉमिनेशन के रिलेटेड है। जैसे कि पीएफ का जो नॉमिनेशन होता है ना, नॉमिनी में जो नाम डलता है, उसके रिगार्डिंग जो है कि ये वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि इसमें अगर हम नॉमिनी में नाम जब वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो कुछ एरर आ रहा है, जिसको यहाँ पे एरर को मैं आपको एरर के बारे में बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, और जो एरर है इसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं, एरर क्या है। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल में मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उदय एरर कोड, उदय यानी आधार का एरर कोड नंबर 100 एरर, कोड नंबर है 100 एरर। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एंड नेम, डेट ऑफ द बर्थ, जेंडर और एनी कंप्लीशन यू ऑफ द सेम अवेलेबल विद द उदय आधार सिस्टम डू नॉट मैच। डिटेल अवेलेबल एफ एफ किडनी चेट करेक्ट उदय इन द ईपीएफ रिकॉर्ड टच बेसिक डिटेल चेंज। इसमें सीधा तौर पर यही कह रहा है कि आपने जो नॉमिनी के लिए जो आपने जिस पर्सन का इसमें डाटा डाला है आधार कार्ड के रिगार्डिंग, वो इसे मैच नहीं कर रहा है या उससे कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए ये जब भी एरर आता है कि आपके या तो जो नॉमिनी में जो नाम ऐड कर रहे हैं, या तो उस आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जब भी एरर आता है तो एरर, तो मैं यहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि एरर क्या था। तो देखिए एरर इसमें यही था कि जैसे वो जो नॉमिनी में हम नाम यहाँ पर डाल रहे थे, तो जिस व्यक्ति का हम इसमें जिस पर्सन का हम डाल रहे थे, उनका ही ये जो है कि जो एज है उनका जो है कि 16 साल उम्र हो रहा है, और उन्होंने जो है कि बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया। जैसे कि हमारे इंडिया में आधार कार्ड से रिलेटेड जो है कि अभी काफ़ी सारे कैंप लगते हैं, और आधार कार्ड में जो है कि बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। बायोमेट्रिक अपडेट करने के बाद ही जो है कि आपका अंगूठा लगेगा, उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट होगा, उसके बाद ही जो है कि आप कहीं भी मतलब आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा, तो उसके जो है कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि जल्दी वर्क करता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी वही हो रहा है, और इसमें जो है कि कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि जो आपका फिंगर वगैरह नहीं लगता है, यानी कि कह सकते हैं कि आधार अपडेट नहीं हुआ था। जैसे कि बच्चे का अगर आधार कार्ड बनवाते हैं, तो उसको 5 साल के बाद जो कि अपडेट करवाना होता है, और फिर 15 साल के बाद अपडेट करवाना होता है। तो अगर आपने अपडेट नहीं करवाया, तो आप जो है कि कहीं भी अगर कुछ काम करवाने जाइएगा, तो सेम इसी एरर को माध्यम से जो है कि आप देख सकते हैं, जो एरर अभी हमारे सामने हो रहा है, ये एरर आपके सामने भी आ सकता है। इसका निवारण यही है कि आप जो है कि अपना जो आधार कार्ड जो नॉमिनी में नाम ऐड कर रहे हैं, इसे बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको नॉमिनी में नाम ऐड कीजिए, या तो रीजन यही हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर नॉमिनी में इनका नाम एज अगर 16 साल से कम है, तो कोशिश कीजिए कि आप 18 साल से प्लस का ही जो है कि इनका जो है कि डालें। और दूसरी बात जो कि बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए, बायोमेट्रिक अपडेट हो अगर है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कि आपको बताया हूँ, अगर आपको इस तरीके की परेशानी हो रही है आधार कार्ड से रिलेटेड, नॉमिनेशन से रिलेटेड, तो आप जो है कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक उसी तरीके से जो कि ट्राई कीजिए। मैं 100% कहूँगा कि आपका यह प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।